नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लाइव आया हूं सपा बसपा गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है वो आप दे सकते हैं और सीधा मैं आपसे मुझसे जुड़ भी सकते हैं। और ये लीजिए, हमने लाइव का ऑप्शन खोल दिया है। मीडिया में हर्ष की लहर है, खुशी की लहर है, होनी भी चाहिए। चाव लेके वो लोग खबर बता रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, गठबंधन से गठबंधन रहना चाहिए, गठबंधन टूट जाना चाहिए, आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। और क्योंकि ये जो गठबंधन था उसमें लोगों की बहुत सहमति थी, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े। क्या आवाज़ सबको सही मिल रही है? तस्वीरें सही मिल रही है? आवाज़ सही मिल रही है? तो ये जरूर बताएं हमें कि आप लोग की क्या राय है, कि क्या गठबंधन पर आप लोग की क्या राय है। तो जो सपा बसपा गठबंधन को लेकर है कि उपचुनाव में जो अभी 11 सीटों पर उपचुनाव है उसके लिए मायावती अकेले चुनाव लड़ने वाली है, आप लोग अपने राय दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। नहीं टूटना चाहिए, विपिन लिखते हैं, और आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। मैं लाइव लेने की कोशिश करूंगा लोगों को, अगर कोई लाइव आना चाहे तो। देवचरण भास्कर हैं, अशोक बौद्ध हैं, ये तमाम लोग हैं जो मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। और आप भी जुड़ के अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर मैं कुछ कमेंट जो है वो जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि लोग क्या। दिलीप मंडल लिख रहे हैं, बहुत याद आते हैं मान्यवर कांशी राम। उससे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, कोई प्रेस नोट आया, जातिवादियों सुधर जाओ। ये अमित जामेई ने लिखा है, जो अभी तक वो अमित जामेई ने लिखा है, जो प्रवक्ता हुआ करते थे अभी तक सपा के, और उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग सीधे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या होना चाहिए। बिमल बरून जो बीएसपी को करीब से जानते हैं, गठबंधन को लेकर जो भी खबरें आ रही है वह मात्र अफवाह, इस पर ध्यान न दिया जाए, कोई प्रेस नोट आया, जातिवादियों सुधर जाओ, ये अमित जामी ने लिखा है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है गठबंधन का, आप लोग बताइए, क्योंकि मुझे पता है, मैं जब यूपी में सपा बसपा गठबंधन टूटने की अफवाह से मीडिया में खुशी की लहर, ये दिलीप मंडल लिख रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि नहीं टूटना चाहिए भाई साहब, गठबंधन नहीं टूटना चाहिए, विनोद कुमार, राकेश कुमार। और तो आप लोगों को क्या लगता है, तो मैं सोशल मीडिया का कुछ रिस्पॉन्स चाहता हूं। ममता बनर्जी ने एक बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने साफ कहा है कि अब चुनाव जो है वो ईवीएम से ही होगा। पता नहीं, नदीम भाई हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को लाइव लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई हमसे लाइव जुड़ते हैं तो उनसे बात की जाएगी। मुझे पता नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है और शायद बहुत सारे लोग का रिक्वेस्ट है, लेकिन कुछ तकनीकी मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है, शायद इस वजह से हम लोग लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं फिर भी कोशिश करूंगा, और बहुत सारे लोग हैं टूटना नहीं चाहिए के पक्ष में जो है वो ज्यादातर लोग हैं। तो गठबंधन को लेकर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो जरूर बताइए। और शैलेंद्र यादव जुड़ने की कोशिश, तो नहीं टूटना चाहिए इस तरह से लोग जो है वो कह रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या असर लग रहा है, क्या भविष्य में क्या हो सकता है? और ये फोन जो है ना, ये बड़ा धोखा दे रहा है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को लाइव लो, और सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया लो कि वो जोड़ने की, समझने की कोशिश कर रहा हूं। और हम एक दूसरे फोन से फिर आने की कोशिश करेंगे, अगर इस फोन से हम लोग असफल होते हैं तो।
आईफोन का थोड़ा चक्कर है इसका, बहुत सारा चीज जो है, लेकिन आप तो चिंता मत कीजिए, हम लोग लाइव लगातार बने रहेंगे। ये देखिए एक शख्स हमारे साथ आ गए हैं, क्या नाम है भैया आपका? सर मैं प्रताप कुमार यादव, जमशेदपुर झारखंड से। बताइए प्रताप जी, क्या कहना है गठबंधन पर? सर गठबंधन पे ऐसा है कि ये जो है ये भ्रम फैलाया गया है, यादवों का वोट जाटव को, जाटव का वोट महादलित को ऐसे नहीं मिला है, सभी का वोट सभी को मिला है। और ये ईवीएम की धांधली हुई है, और इसको जो है ये जो ब्राह्मणवादी लोग है इसको फैला रहे हैं कि इसका वोट उनको नहीं मिला, उसका वोट उनको नहीं मिला। ये साजिश है, साजिश को समझने की जरूरत है और सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। एसपी बीएसपी का गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। बम्पर वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग मिली है, सिर्फ ईवीएम की ये सरकार बनी है और ईवीएम का जनादेश है। ये जनादेश नहीं है, ये ईवीएम का आदेश। लेकिन आपके जो नेता हैं, मायावती के जो सबसे नजदीक के सलाहकार है वो सतीश चंद्र मिश्रा है, वो कैसे सोच रहे हैं इस पर भी तो निर्भर करेगा। जी सही बात है, लेकिन सर ग्राउंड रियलिटी जो देखने की जरूरत है। हम तो सर जमीन पे काम कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे कोई नहीं कह रहा है कि हमने वोट नहीं दिया। और ये बात सिर्फ वहां पे यूपी में ही नहीं हुई है, ये बात झारखंड में भी हुई है, ये बात बिहार में भी हुई है, चारों तरफ ये हुई है। तो नेताओं को ये समझने की जरूरत, मुझे नहीं पता है कि नेताओं की क्या मजबूरी है जो ईवीएम पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं और दूसरा दूसरा बहाना बनाकर गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार में भी बहुत उलटफेर की खबरें आ रही है। शुक्रिया दोस्त मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। और अभी हम लोग जो हैं वो और भी कोशिश करेंगे, कंटिन्यू विदाउट गेस्ट हम लोग आ रहे हैं, उसके बाद कुछ और लोग के साथ हम लोग बात करेंगे और लोग से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार लोग जो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये संभव हो पाता है गठबंधन को लेकर। सोचिए बिहार में नीतीश कुमार नाराज हैं, उसको लेकर उतनी मीडिया में खबरें नहीं बन रही है जितनी अभी एक खबर आई है छोटी सी, और उसको लेकर जिस तरह से बवाल शुरू हो गया। अभी कोई प्रेस रिलीज नहीं आया है, आई एम स्टिल वेटिंग कोई प्रेस रिलीज आए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, आपकी राय क्या है? तिलक सिंह कुंतल मुझसे पूछ रहे हैं, सही बोले हैं आप भाई। मेरी राय, मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज का शुभचिंतक हूँ। अरे तो पार्टी तय करेंगे उनके साथ क्या होना है नहीं होना है। मैं इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो मुद्दे हैं, उनके जो रोजी रोटी के सवाल हैं, उनके जो पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो मैं उठाता रहूँगा, उससे मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। आपकी जो पार्टियाँ हैं, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जिनके साथ बहुत सौतेला व्यवहार होता है, तो उनकी खबर जो है वो मैं दिखाता रहूँगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ। लेकिन ये इस फोन से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हम लोग लाइव जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा टीवी पर जो है जो बात हुई थी, सपा बसपा आरजेडी इनके जो कांग्रेस इन सबके जो नहीं आ रहे थे, जो टेलीविजन पे जो है वो थोड़ा क्राइसिस हो गया आजकल प्रवक्ताओं का, तो उसके बारे में भी। तो बहुत लोग जुड़ नहीं रहे, आप टेक्निकली थोड़ा सा साउंड होइए उसके बाद जुड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन मीडिया खुश है। राजकुमार लिखते हैं, बहन जी और सपा अखिलेश से अनुरोध है, यूपी गठबंधन टूटना चाहिए, इसका राजनीतिक और सामाजिक परिणाम जो है वो बहुत खतरनाक होगा। तो आप लोग की प्रतिक्रिया जानने में मेरी रुचि थी, और कम लोगों से मैं जुड़ पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों से जुड़ें। और ये फ़ोन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत आसान है, आप लोग अपने फ़ोन को ऐसे कीजिए, रोटेशन लॉक कीजिए, ऑन कीजिए, माफ़ कीजिए, रोटेशन जो है फ़ोन का वो ऑन कीजिए और आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो गठबंधन पर मेरी प्रतिक्रिया मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। मैक्सिमम लोग जो कमेंट में कह रहे हैं कि गठबंधन जो है वो टूटना नहीं चाहिए,
तो ये अच्छी बात है और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हम एक बार फिर से आपके साथ हैं और मुद्दा वही है, क्या ये लीजिए, हमने आपका कमेंट बॉक्स खोल दिया है, लाइव खोल दिया है, तो आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि गठबंधन पर आप लोग की क्या राय है। और जिस तरह की खबरें आ रही है, टेलीविजन ने तो इसे तोड़ ही दिया है। मैंने अभी एक बसपा प्रवक्ता का कहा है कि क्या इसको लेकर कोई प्रेस रिलीज आई है, उन्होंने कहा कि नहीं आई है। और मैंने सपा के नेताओं से भी बात की, किसी ने कोई संतोषजनक बात नहीं किया। ये जरूर बातें हैं कि 11 जो विधानसभा जो सीट हैं उस पर बीएसपी चुनाव लड़ने जा रही है, पहली बार वो उपचुनाव लड़ने जा रही है। इसको कैसे देख रहे हैं और क्या आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या सपा बसपा गठबंधन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो जरूर आप हमें बता सकते हैं। और मैं लगातार लोगों से जोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो भी आप पहले इस तरह से मोबाइल को रखें और जैसे ही मोबाइल आपका इस तरह से रोटेशन में हो जाए, आप मोबाइल को इस तरह से रखें हॉरिजेंटल, और जब मोबाइल हॉरिजेंटल हो जाए तो रोटेशन जरूर, आप अपना रोटेशन लॉक होता है हर फोन में, आईफोन में या स्मार्टफोन में, जो तस्वीरें को ऐसे करके मोबाइल जब करेंगे तो पिक्चर आइज के लिए रोटेशन लॉक होता है, तो वो आप हमें जो है भेज सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं कि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, बहुत अहम प्रतिक्रिया है। कुमार वीरेंद्र जुड़ रहे हैं, बताइए जी। नमस्कार शंभू सर, बताइए बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं समस्तीपुर बिहार से बोल रहा हूँ सर जी। गठबंधन तो बहुत जरूरी है सर, इसके बिना नहीं कुछ नहीं चल पाएगा। अभी जो देखे पूरे हिंदुस्तान की जो ईवीएम का खेल जो खेला गया सर, ये हम लोगों ने बीएसपी के लिए दिल और जान से काम किए सर, बगैर लोभ लालच से दिलो जान से काम किए। घर घर जाके सुबह 6 बजे निकलते थे और शाम को शाम को आते थे, बगैर खाए पिए, बगैर कुछ लालच और लोभ के बगैर। लेकिन फिर भी हम जो है, हमारे जो कैंडिडेट थे समस्तीपुर से उजियारपुर लोकसभा से, जो हमारे कुशवाहा जी हैं, नवीन कुशवाहा, वो उनको बोले थे कि सर हम जितना मेहनत किए हैं सर, वो कम से कम 1,000 वोट हम अपने बलबूते पे दिलवाएंगे, लेकिन उनको 1,534 वोट हमने दिलवाए सर। तो कम से कम इतना बढ़त मिलने के बाद हमें अंदर से बहुत खुशी हुई। और बहन जी को जो 10 सीटें में उन्नति हुई है, इसके लिए बहुत खुश हैं। और गठबंधन सर बहुत जरूरी है बिहार में, जो बिल्कुल ही हमारे आरजेडी और बहुत सारे जो गठबंधन से जो जुड़े पार्टियां थी, उसके लिए जो सोचा जाए तो सर बहुत बुरा हुआ। इसके लिए अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, जितना पूरे हिंदुस्तान के बहुजन समाज ने मेहनत किए थे जी सर। नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ आपको, इनको जरा कॉल करके गेट नंबर 1 पे ऑफिस में बुला लेंगे। मैं वीरेंद्र कुमार राम, शुक्रिया 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 दोस्त हमसे जुड़ने के लिए। और मैं कुछ और गेस्ट को लूंगा, तो रणधीर कुमार यादव है हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ही नंबर से कॉल कीजिए उनको। भाई लाइए, रणधीर क्या कहना चाह रहे हैं आप? भैया प्रणाम, पहले तो जय भीम सभी लोगों के लिए। जय भीम। हाँ तो हम ये कहना चाह रहे थे, जैसी खबर अभी हम लोग को मिल रही है, और मैं अभी लखनऊ में हूँ और मेरे साथ संगठन के काफी सभी लोग हैं, सभी वरिष्ठ लोग हैं, तो अभी तक जो खबर मिल रही है वो शायद दुख देने वाली है बहुजनों के। क्या खबर है? टूटने वाला है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुजनों के लिए सबसे बुरे दिन की।
जुड़ने की कोशिश करते हैं। रणधीर की आवाज नहीं आ रही है और बहुत सारे लोग हैं। अभी तक कोई प्रेस रिलीज ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन वो उन्होंने ये जरूर कहा है। आप लोग की क्या राय है गठबंधन को लेकर, वो जरूर बताएं। विजय यादव जुड़ रहे हैं, कहां से जुड़ रहे हैं भाई साहब? नमस्कार सर। हेलो, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। क्या करते हैं विजय जी? यादव वोट बसपा को नहीं मिला। सतीश चंद मिश्रा को लेकर जो है वो लोग काफी आलोचनात्मक हैं और लोगों को लगता है कि इसके पीछे कहीं सतीश चंद मिश्रा तो कोई बड़ी वजह नहीं है, और ये एक बड़ी खबर है। और तो आप लोग बता सकते हैं मुझे सपा बसपा गठबंधन, मैं लाइव हूं, विजय यादव से हमारी बातचीत नहीं पड़ी, कुछ और लोगों को लाइव लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे साथ लाइव हैं। तो आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं और सपा बसपा गठबंधन को लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। मैं लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जरूरी है कि ये बात आप तक पहुंचे। बताइए क्या कहना है गठबंधन पर। सर गठबंधन तो होना चाहिए और रहना चाहिए, अभी इसकी जरूरत है और हम जैसे ओबीसी एसटी एसटी वालों के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि मनुवादी लोगों के हम लोग शिकार हो रहे हैं। तो वोट तो सब दे दिया बीजेपी को, लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, वोट कैसे दे दिए, गठबंधन था, वोट गिरा हमारे यहाँ। और सर एक बात आपसे पूछनी थी, सर हमारी बात दो चार हाँ सुन रहा, पूछिए। जो सूजा से आप बात कर रहे थे तो वो आपसे दोबारा ही नहीं आए तब से? नहीं, चुनाव के बाद उनका प्रिडिक्शन फेल हो गया तो क्या लाइव बात करना है, बहुत लोगों का प्रिडिक्शन फेल होता है। मैंने कहा तो था कि मैं टेलीविजन चैनलों के साथ हूँ, उनका प्रिडिक्शन ज्यादा सही है। जी जी बिल्कुल सही है, लेकिन वो जैसा बता रहे थे वैसा बिल्कुल हुआ नहीं और ये बीजेपी वाले दांव मार ले गए। ईवीएम से 20 लाख के काम कर दिए, 20 लाख वाला ईवीएम गायब था उसमें काम कर दिए लोग। चलिए आम आदमी, फिलहाल हम लोग गठबंधन पे बात कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे उसके बाद जो है कि गठबंधन पर क्या है आप लोग की प्रतिक्रिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या गठबंधन के आप पक्ष में हैं, गठबंधन के खिलाफ हैं। मीडिया में जो है वो लगातार खबरें आ रही हैं, उसको लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। और अभी तो कोई ऑफिशियल मेल नहीं आया है, ये तो है, ये है, लेकिन चुनाव लोग अलग अलग लड़ेंगे ये साफ है, और ऑफिशियल मेल अभी नहीं आया है। सपा बसपा गठबंधन अगर टूटा तो बीएसपी का ग्राफ गिरेगा। लक्ष्मी रमन ज्वाइन मिसर आजमगढ़ से, पंकज कुमार जी बिल्कुल कोशिश करते हैं आपको जोड़िए। जनार्दन यादव जी मैंने आपको मौका दिया था लेकिन आप मोबाइल ऐसे ऐसे रखिए हॉरिजेंटल और उसका रोटेशन लॉक ऑन कीजिए, रोटेशन लॉक ऑन, तभी जुड़ पाएंगे आप हमसे। और लगातार हम आपको प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। हार्दिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हार्दिक के लिए। हाँ रणधीर बताइए। जय भीम जी, मेरा शुरू से ये कहना था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक दुखद खबर होगी एक विशेष कम्युनिटी के लिए। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है। बहुजनों के लिए बुरी खबर है और मेरे साथ संगठन के अन्य लोग भी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें, आप तक पहुंचाएं अपने। हमारे साथ हैं अनुरुद्ध भैया। क्या जानकारी मिल रही है आप लोग की, गठबंधन टूट गया है? जी भैया क्या जानकारी मिल रही है आप लोगों को?
किस संदर्भ में भैया? गठबंधन को लेकर। सर देखिए, जब तक ये गठबंधन जो था ऊपर से था भी, ऊपर से टूटा भी। आपको गठबंधन का परिणाम भी स्पष्ट है। जैसे यहाँ जो दलित पिछड़े समाज के नेता थे, पहले ही मान चुके थे कि सारा वोट बैंक हमारा है, हम जिसको दो दिन में प्रत्याशी चुन लेंगे वही जीत जाएगा। और इनके कार्यकर्ता, इनका कैडर और कार्यकर्ता भी ये मानता था कि हमारे नेता आएंगे, माइक लगा के चूरन फूकेंगे, हम जीत जाएंगे। ये तो टूटना ही था सर। और ये बहुत ही दुखद घटना है दलित पिछड़े समाज में। शायद इसके बाद कभी समझौते की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। अब क्या होगा आगे? आगे से क्या तात्पर्य आपका सर? अरे जिस तरह से हत्याएं हो रही है यादव समाज के लोगों की, सपा बसपा कार्यकर्ता की, वो किसी, देखिए सर, आप उसको कह सकते हैं कि यादवों की हत्या हो रही है, या कहते हैं दलित पिछड़े समाज के मजबूत, ये कहा जा सकता है उसको, दलित पिछड़े समाज के मजबूत लोगों की हत्या हो रही है। क्योंकि जहां भी कोई नेतृत्व तो करने लायक है, आज भले आप कह दें कि यादव हत्या हो रही है, कल को जो भी दलित पिछड़े समाज का नेता है वो मारा जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये आज यादव है कल कोई और होगा। और इसमें क्या कहा जा सकता है? चाहते हैं गठबंधन रहे या जाए? गठबंधन तो सर तब भी हमें दुख हुआ था जब पिछली बार गठबंधन टूटा था। दूसरे दिन अटल जी ने बस्ती में मीटिंग की थी, आपको भी याद होगा, हमसे वरिष्ठ हैं आप। वहां उन्होंने कहा आज हमारा सबसे बड़ा कांटा निकल गया, तो कांटे का उद्देश्य दलित पिछड़े समाज को समझ जाना चाहिए था। आज भी वही हो रहा है। अब उसको चाहे हम उसको मतलब कि थोड़ा बौद्धिक लबादा लगा दें, अंबेडकर जी को कह के, मान्यवर कांशीराम जी को, उनके उनके अनुयायी हैं, मान्यवर जी कहा भी करते थे हमेशा राजनीतिक सत्ता की चाबी बन के रहना चाहिए दलित पिछड़े समाज के राजनीतिक दलों को, चाहे आप उसे बौद्धिक लबादा लगा के गठबंधन तोड़ने की बात कर लें, और चाहे ये समझ लें कि इन लोगों को ये मतलब कि खाली राजनीतिक रूप से राजनीतिक लाभ लेना था, इन्हें दलित पिछड़े समाज से कोई मतलब नहीं है सर। अब बौद्धिकता का लबादा तो अभी बहुत लोग पहनाने आ जाएंगे। जैसे कि ये उद्देश्य ये थे, हमारे उद्देश्य पूरे हो गए, या जिससे मैंने शिक्षा दीक्षा ली उनके ऐसे उद्देश्य थे, हमें दलित पिछड़े समाज, हमें दलित समाज को बहुत आगे ले जाना है इसलिए मैंने ये कदम उठाया। इस तरह सफाइयां भी दी जाएंगी अभी एक दो दिन के अंदर, आप भी जान रहे हैं, अभी तो बौद्धिक लोग आएंगे सामने ना। टीवी पे डिबेट के पक्ष में है या खिलाफ में है? ऑब्जेक्टिव जो सवाल गठबंधन के पक्ष में थे, चाहते थे नीचे स्तर तक दिल्ली गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन का परिणाम हो, इनके जो इनका जो कैडर था ना, कैडर वहां तक पहुंचा ही नहीं कहीं। गठबंधन के लोग गठबंधन के लोगों तक ही नहीं पहुंचे, उसी का दुष्परिणाम है। चलिए शुक्रिया, आपने अच्छा बताया। रणधीर से अगर बात हो जाती है तो बात करवा दीजिए। हाँ रणधीर बताइए, कैसे हैं आप, क्या लग रहा है गठबंधन? अभी तो कोई ऑफिशियल लेकिन अनाउंसमेंट नहीं है। नहीं, ऑफिशियल तो नहीं हुआ है और हम चाहते भी नहीं गठबंधन टूटे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बुरी खबर है। चलिए शुक्रिया रणधीर, अपना ख्याल रखिए और हम लोग बातचीत करते रहे। तो काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो रोहित खांटावालिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, और मुस्लिम समाज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने ही मेहनत की। तो सोशल मीडिया पर जो है एक और बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी ने तय कर लिया है कि वो अभी बीएम के खिलाफ जो है वो आंदोलन करेंगी। तो चलिए, आजकल देश में अब भाईचारा बहुत है,
तो लगातार जो लोग हैं वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और मैं भी आपको बता रहा हूं कि किस तरह से एससी एसटी के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। जनार्दन यादव कह रहे हैं मुझे गोरखपुर से जोड़िए, नाइक हैदर, तमाम लोग कह रहे हैं। आप अपनी लिख के भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और गठबंधन को लेकर टीवी में खबरें चल रही हैं कि गठबंधन टूट गया है, ये खबरें टीवी में चल चुकी हैं, चल रही हैं। और आपको, आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है वो मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बिहार यूपी में जो है वो बहुत सारी जो है राजनीतिक जो है वो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो गठबंधन को लेकर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और कुछ लोग तो देखिए भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का कहना है कि गठबंधन जो है वो रहनी चाहिए। प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है, और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ईवीएम का विरोध होना चाहिए। सर जी प्रतिक्रिया जरूरी है, रोहित खांटी वालिया, नहीं टूटना चाहिए, रोहित राठौर लिख रहे हैं। आई एम विथ यू नरेंद्र आनंद, ईवीएम को बैन करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में केस करना होगा किसी पार्टी को। कनेक्ट मी सचिन कुमार कह रहे हैं बिहार में भी खिचड़ी पक रही है, ईवीएम को हटाना चाहिए। सर ज्वाइन मी केतन मुंबई से, जनता के बीच में गठबंधन करवाना ही भूल गए ये लोग अपने चक्कर में सर। तो लगातार हार के बहुत सारे कारण होता है हार के लोग, लेकिन जीत के बहुत सारे पिता होते हैं, हार के नहीं होते हैं। चलिए एक एक लास्ट शख्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस लाइव को खत्म करेंगे। और शुक्रिया, माफी चाहता हूं जो लोग जिनको ऐड नहीं कर पा रहा हूं, मैं कोशिश करता रहता हूं ऐड करने का, लेकिन इतना आसान नहीं होता है कभी कभी। सोशल मीडिया भी जो है वो मौका नहीं देता है, ये मेरे हाथ में सब कुछ नहीं होता है। और आप लोग को भी कह रहे हैं मोबाइल को ऐसे रखिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल रोटेशन ऑन करके रखिएगा, तभी आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। नमस्कार सर जी, कहाँ से बोल रहे हैं सचिन? समस्तीपुर। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। ये जो इच्छाधारी वोटिंग मशीन है, पहले इसका इलाज होना चाहिए ना। जो ईवीएम है, अब प्रत्याशित रिजल्ट आया है, कम से कम बिहार की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन यूपी में तो कमाल का रिजल्ट आ गया है। बिहार में क्या तो सही रिजल्ट आया है? बिहार में तो जदयू के कारण एक बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यूपी में भी हो सकता है उसी तरह से कुछ हुआ होगा। यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन बिहार की अपेक्षा बहुत ज्यादा मजबूत था, ये आप भी मानेंगे, आप तो पूरे यूपी में घूमे थे। और अभी अभी जो र्यूमर चल रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि एसपी बीएसपी को एक जगह बैठ के ढाई ढाई साल का टेन्योर फिक्स कर लेना चाहिए कि ढाई साल आप सीएम रहो, ढाई साल मैं सीएम रहूंगा। क्योंकि अगर एसपी बीएसपी का गठबंधन टूटा तो बीजेपी अकेले अकेले दोनों को तोड़ेगी, ये तय है। क्योंकि अकेले अकेले जीतना बीजेपी से संभव नहीं है, ये आप भी जानते, बीजेपी एक विशाल पार्टी बन चुकी है। विशाल, चलिए शुक्रिया। ये आम लोग की प्रतिक्रिया है, आम लोग का बड़ा मन है कि भाई गठबंधन बना रहे। और जो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, टेलीविजन का मन है कि गठबंधन ना हो।
यूपी में सपा बसपा गठबंधन टूटने की अफवाह से मीडिया में खुशी की लहर, दिलीप मंडल। तो चलिए, मैक्सिमम लोगों का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता जो है वो गठबंधन के पक्ष में है। अब ये नेता क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ये तो वही तय करेंगे क्योंकि पार्टी वही चलाते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनको लगता है कि गठबंधन जो है वो बरकरार रहना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आप सब लोग का जो हमारे साथ जुड़े, और इसके बाद कल हम लोग जो भी अपडेट होगा उस पर बात करेंगे। और सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर जो लोग हैं, खासकर जो बसपा के जो कैडर समर्थक लोग हैं, उनमें बहुत नाराजगी है, ये तो इन तमाम बातचीत में साफ है। तो मैं आपसे, हम लोग बातचीत कर रहे थे गठबंधन को लेकर, जो जितने दर्शक यहाँ जुड़े हैं, जितने लोग आए हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी माने तो वो चाहते हैं, वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि गठबंधन जो है वो किसी तरह से बना रहे। तो शुक्रिया उन तमाम लोग का जो हमारे साथ जुड़े, जो हमसे नहीं जुड़ पाए वो प्लीज निराश ना हो, फिर हम लोग अगले दिन जुड़ने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।